वेलकम बैक टू माय चैनल द गर्ल इन मास्क। कैसे हो आप सब? तो आज का व्लॉग मैं शहरी से नहीं स्टार्ट करी, इट्स अराउंड 1:30 और मैं कुछ 12 PM को उठ गई थी। आप देख सकते हैं अब हम डैम स्लीपी, तब हम कुछ काम के लिए जा रहे बाहर, तो मैं आपको साथ ले चलूँगी, फिर आके थोड़ी देर हम सो जाएंगे। तो गाइस चलिए चलते हैं। सुबह हो गई और इनकी सुबह अब तक नहीं हुई। आपको ये देखे, इतनी फ्लेक्सिबल कैट जो हर तरीके से मुड़ के सोती, इसे काफी क्लिप्स है, मैं आपको वो भी बताऊंगी। ये बहुत ही अजीब बिल्ली है हमारी, हमारा शेर अन्ना। लेट्स गो गाइस, दिस इज माय आउटफिट। मैं कुछ एक कुर्ती पहनी, तो मैं कुर्ती पहनी और काफी गर्मी फिर से बढ़ गई है। बाद में ये ट्रैफिक का सोच के हम लोग एक्टिवा पे निकले थे, लेकिन उधर पहुंचे जब तक धूप की वजह से बहुत ही थक गए थे। Finally काम हो गया। आई एम वेरी टायर्ड, इट्स 5 राइट नाउ, सो वी आर हेडिंग टूवर्ड्स होम। अब एक घंटे में इफ्तारी करना है, एक नहीं 1.5 आज में। चलिए घर जाके आपसे मिलती हूँ। इतनी कड़क धूप, अच्छा है जी। रात 1 hour later राउंड 6 होने के लिए 10 मिनट्स बाकी है। हम लोग कुछ 5:30 को आए थे, काफ़ी थक चुके हैं, तो किचन में अभी समोसे एंड ऑल बन रहे हैं, मैं आपको वो बताऊंगी जाके। तो इफ्तार में बन रहे खीमे के समोसे, इसमें मटर भी ऐड करे थे ना आप, मटर एंड खीमे के समोसे। तो ये मम्मी बना के रख दिए थे परसों, आई गेस फ्रीज़र में फ्रीज कर दिए थे। तो अब हम जल्दी से कर देंगे समोसा स्प्राई। तो अभी 6 बजे जैसे कि मैं आपको बताई, और अभी फ्रूट्स एंड ऑल भी कट कर देंगे। आज का दिन काफ़ी थकेवा था। समोसे जमा के रख देंगे टेबल पे, काफ़ी गरम गरम है। समोसा फ्राई कर दिया, इधर भजियों का बैटर भी रेडी है, ये प्याज के भजिए भी बनने वाले हैं, तो ये थोड़ी देर के बाद हम लोग फ्राई करेंगे। ये समोसे को मैं बाहर लेके जाऊँगी टेबल पर। ये पकौड़ाज भी रेडी है, यहाँ पे ये फ्राई करने की चीज़ों का डन हो गया है। ये रोल्स बाहर से लाए, तो अभी हम लोग फ्रूट्स का स्टार्ट करेंगे, अभी और फ्रूट्स लाना बाकी है। साफ हो गया, अब हम इधर ही मगरिब की नमाज पढ़ के फिर आप लोगों से मैं डिनर के टाइम मिलती हूँ। यहाँ हम लोग का खाना भी हो गया था एंड तरावी के लिए मैं ऊपर आ गई थी। तो तरावी अब मैं घर में पढ़ती हूँ, तो मैं एक पेपर पे सारा कुछ नोट डाउन करके हर 2 रकात के बाद क्रॉस करती हूँ, तो वो काफ़ी कन्वीनियंट है। और अब भूख लग गई थी, तो मैं आ गई किचन में कुछ इंस्टेंट बनाने के लिए। तो इसे हम रखेंगे 15 मिनट्स के लिए या 20 मिनट्स के लिए, और ये ऊपर वाला हम रखेंगे 180 डिग्रीज के लिए। तो एक्चुअली हम लोग जो बना रहे, ये है चिकन मलेशी कबाब एंड स्माइलीज फॉर जोहा। और आप नीचे इसको देखिए, इतना सतारा शेरू, मैंने अभी पैर पकड़ लिया था जोहा की सताने की वजह से। शेरू से हाय, से हाय, हाय बोलो। असल शेरू ये कबाब की खुशबू की वजह से कहीं नहीं हिल रहा, तो उसे भी कबाब देके हम वरना नजर लग जाएंगी। तो ये बनने के बाद मैं आपको बता दी हुई जो देर को मैं डिस्टर्ब करते जाऊंगी इसे। तो अब हम जाते हैं नीचे, बिकॉज नीचे आए कश्मीरी सूट वाले, तो हम थोड़े सूट देखेंगे पहले। आए कश्मीर से अंकल सूट्स एंड ऑल लेके, तो मैं आपको दिखाऊंगी, काफ़ी मस्त सूट्स रहते, मैं एक दो बार पहनी भी ब्लॉग्स में। These are pure Kashmiri suits.
वाओ, ये जो इसका लेस लगा हुआ जैसा दिखता है पूरा काम है, लेस नहीं होता है। ये अच्छा पूरा, अच्छा वो भी वर्क है, ये भी वर्क है। वाओ अच्छा है। शॉर्ट पीसेस का ब्लैक, डार्क ब्लू, नेवी ब्लू, ये ओरिजिनल कश्मीरी है ना, वेरी नाइस, बढ़िया। ये कलर भी है इसमें, ये भी प्यारा दिख रहा है। इसमें दो कलर है कटवाने, ये भी प्यारा है बहुत। और ये वाले क्या है? ये नॉर्मल है ना, ये प्रिंटेड में है कपड़ा, इसका एकदम बड़े इस कपड़े पे काम नहीं होता। ओके इसका सलवार ये सबसे बेटर कपड़ा है, अगर इस कपड़े पे तिल वर्क नहीं होता, मतलब ये आरी वर्क इस पे करेगा तो ये कपड़े पे नहीं होता, वो नहीं तो इसी पे काम का। क्या प्राइस है? ये चीज यही सबसे हाई रेंज का हमारे पास है, और बाकी जो है वो वाला भी काफी प्यारा है। ये हमारे पास यही है सबसे हाई रेंज खरीदते हैं। आप कश्मीर से कहाँ के? ये पूरे कहाँ के? कश्मीर से श्रीनगर। श्रीनगर गाँव। एग्जीबिशन में नहीं डालते आप? नहीं, हम उस समय हमारा घर में दूसरा काम रहता नहीं, बात ही नहीं। वहाँ पे क्या है कि पूरा मोर वहाँ पे पूरा मुस्लिम मेजोरिटी है। अब यहाँ पे आप मीडिया पे देखेंगे ना, एक बात को 100 बार बना के देखा। नहीं, वो तो है, वो तो है। वहाँ पे भी मोर देन 40% बाहर के लोग हैं। यहाँ सूट्स वाले भैया भी चले गए थे तो मैं ऊपर आ गई ये सूट्स जो हम लोग लिए वो बताने के लिए। जो फर्स्ट टू सूट्स है ये कैजुअल वेयर है ईद की मॉर्निंग के लिए, और नीचे के थोड़े हैवी दुपट्टे वाले थे। अराउंड 3 PM मैं वापस नीचे आ गई थी, और इधर अशास का कुछ स्कूल का प्रोजेक्ट चालू था, एंड ये दिन हैदराबाद में इतना ठंडा मौसम था। तो यहाँ लग गया मेन दरवाजे का, अभी क्या बोलते दीवार देखो, मेरा साइड इफेक्ट सारे तुम लोग। गाइस आज ओले गिरे सही में, दिखाओ इधर दिखाओ, ये देखो ये देखो ये देखो गाइस, ये गाइस वाह, मैं खा लेती थी लेकिन मेरा रोजा चल रहा है, गिर रहे जबरदस्त। इसको मारो रे ओलो से। डैडी अपनी गाड़ी को कवर करते हुए डर गए उन्हों। वाओ गाइस आज का दिन जबरदस्त गया, आप देख सकते जमीन पे पूरे ओले ही ओले हैं। वहाँ को बाहर बंद कर दिए थे आंगन में, उसको पता नहीं था जोहा उधर है, तो अब जोहा ओलों को देखेंगे। देखो हंसी आ रही, जोहा को बंद कर दिए बोले तो पड़े ना, जोहा कैसा दिखा सर पे ओले पड़े तो। अरे बहुत सीढ़ियों में बहुत दिखते। Minutes later. स्विमिंग पूल भी बन गया, तो पूरा घर बनने के बाद मैं आपको बताऊंगी थोड़ा थोड़ा। इतने मेस के बाद हो गया इधर एक घर रेडी, जो काफी प्यारा है। वेस्ट चीजों से बना, हाँ वेस्ट चीजों से बना ये घर। प्यारी सी चेयर, ये है स्विमिंग पूल, और ये है एक नारियल का झाड़। तो इतने सारे मेस के बाद 1 घंटे में ये हो गया घर रेडी, तो ये पूरी स्कूल की याद आ रही। तो अब ये घर को हम रख देंगे और आपसे इफ्तार के टाइम, इफ्तार की प्रेप्स के टाइम मिलते हैं। ये है आज की इफ्तारी, मक्खियों का तो हमेशा कब्जा रहता है, एंड आज की हलीम है प्रिंस होटल। शेट कुर्ते पे गिर गया सिफ्ताया के।
तो हम ये सब नीचे जमा देंगे. इट्स ऑलरेडी इफ्तार्स टाइम, इट्स 6:20. तो चलिए ये सब नीचे जमा देंगे. आज की भी इफ्तारी रेडी है. अब हम लोग वेट करेंगे, दुआ करेंगे एंड देन रोज़ा खोल के मैं आपको डिनर के टाइम मिलती हूँ. तो काफ़ी जल्दी रमज़ान चले जा रहा, मालूम ही नहीं चल रहा. और आज की इफ्तार में कुछ उतना स्पेशल नहीं है. हलीम एंड ये सभी चीज़ें जो नॉर्मल रहते. मैं सोची खुद से दही बड़े बनाना, लेकिन नहीं बन सके और इधर बनाने भी नहीं दिए मेरे को. तो मैं आपको इफ्तार के बाद मिलती हूँ. ये हलीम का टेस्ट ओके ही था. और आफ्टर इफ्तार हम लोग डिनर नहीं कर रहे थे क्योंकि फुल थे काफ़ी. तो मैं जो 11 बजे रैप्स मंगा के खा लिए, वही हम लोग का डिनर हो गया था. ऑर्डर करे करीम्स के रैप जो काफ़ी मज़े के रहते हैं. क्या कि जो हाथ तेल तेल हो गया इस पे, तो काफ़ी यमी रैप्स रहते. तो सुमैया वी आर मिसिंग यू ये खाते हुए, क्योंकि ये हम लोग का फेवरेट है. वेरी यमी गाइज, आप भी ये ट्राई कीजिए. करीम्स इंस्टाग्राम पे मिल जाएगा आपको, काफ़ी यम रहता ये रैप. फाइनली एंडिंग माई व्लॉग विद दिस कोल्ड कॉफ़ी. तो आप लोगों को मिलते हैं अगले व्लॉग में. टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़.